आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रियंका रावत। चलिए देखते हैं कौन सी रही आज की तमाम बड़ी खबरें। राजधानी देहरादून के रेसकोर्स प्लेग्राउंड स्थित नेशनल हैंडलूम एक्सपो मेले के पांचवें दिन भी लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। लोगों ने यहां पर खूब खरीदारी भी की और यहां पर आकर हाथों से बने सामानों का जमकर लुफ्त उठाया। और क्या कुछ रहा मेले में, जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रियंका रावत। और जैसे कि आपको पता ही है कि मैं इस वक्त वो नेशनल हैंडलूम मेले में हूँ और आज यहाँ पर जो दानपुर लोक कला संस्कृति संगम है वो यहाँ पे आज प्रस्तुति करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे जो वो किस चीज़ की प्रस्तुति यहाँ पे करेंगे वो हम मैम से ही जानेंगे। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपको उत्तराखंड खबर में। थैंक यू सो मच मैम। आज आपको यहाँ पे मंच मिला है, तो आज आप क्या प्रस्तुत करने वाले हैं? बहुत सारी वैरायटीज़ होंगी। सबसे पहले मैं संस्कृति के लिए ही काम करता है हमारा दानपुर म्यूज़िक। और संस्कृति मतलब उत्तराखंड की संस्कृति जो भी है, यहाँ जोड़ा चांसरी और जोड़ा छपेली और सारे उत्तराखंडी गीत, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, सभी प्रकार की वैरायटी मिलेगी आपको। इस बार नया क्या है? नया कुछ नाटक भी होगा, तिलो रोतेला और उन पे महान जो भी हैं उन पे थोड़ा नाटक भी होंगे और छोटे बच्चों का भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। आप देखिए जी, थैंक यू। ये सब इम्पोर्टेड कैंडी है, बाहर से आती है, हम यहाँ पे इन्हें सेल करते हैं। छोटे छोटे बच्चे खुश होकर जाते हैं इन्हें लेके बहुत, और हमारे इस हिसाब से पेठा भी लेके जाते हैं। बच्चे कौन से वाली कैंडी को ज़्यादा पसंद करते हैं? मार्शमेलो बहुत पसंद करते हैं। और पेठे में चॉकलेट पेठा और पान पेठा, जो लोगों ने बहुत लोगों ने मेरा टेस्ट कर रखा है। तो पेठे में के बच्चे भी हाँ, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। तो आप एक बार विजिट करिए सब लोग, हमें अच्छा लगेगा, एग्जीबिशन की रौनक बढ़ेगी इससे और हमारी भी ऐड होगी इस पर। और नेशनल हैंडलूम में आपने जो ये प्रदर्शनी लगा रखी है तो इसमें कितना रिस्पांस मिल रहा है? अभी ठीक है, आएगा रिस्पांस, आ जाएगा इस हफ्ते में, अच्छा रिस्पांस मिलेगा हमें। हमें अपने प्रोडक्ट पे विश्वास है और यहाँ इतना अच्छा कलेक्शन आ रखा है कि लोगों को अच्छा लग रहा है आने में और भी लोगों को पता चल रहा है। इस ऐड के थ्रू लोग आए और विजिट करिए और यहाँ पर आके शॉपिंग करिए, अच्छा लगेगा सबको। सहसपुर ब्लॉक में हमारे पास एक आउटलेट है जिसमें हम लोग उनके सारे प्रोडक्ट रखते हैं। तो जब कभी ऐसे एग्जीबिशन वगैरह लगती है या सरस मेला लगता है उसमें हम लोग उनके प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं। इस टाइम हमारे पास ये इसमें ग्रीन टी वगैरह हैं, धूप बत्ती, अगरबत्ती है और हाथ से बने हुए बैग हैं, जूट बैग हैं, अचार है, मुरब्बा है, ब्रांच का जूस वगैरह भी है हमारे पास, और दाल की बढ़िया हैं, मसाले हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मैम, आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? हमारे साथ ऐसे अगर देखा जाए तो सहसपुर ब्लॉक में ही 7,000 महिलाएं जुड़े हुए हैं। मेरा समूह है और मैं समूह के द्वारा इसमें जुड़ी हुई हूँ। आजीविका पे हम लोग इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के तहत हम लोग काम कर रहे हैं इसमें, और उसमें हमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है। जो इसमें हमारे अधिकारी लोग हैं NRLM में और जो हमारी क्लस्टर अध्यक्ष हैं अलका जोशी जी, उनके द्वारा जो भी हमारे सीनियर अधिकारी हैं सबको बहुत सपोर्ट हम लोगों को रहता है। और इसमें हम लोगों को जब भी प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है तो इनके द्वारा हमारे ऐसे चीज को प्रशिक्षण कराया जाता है ताकि हम लोग आगे रोज़गार से जुड़ सकें। मेरा नाम महेश गिल्याल है और मैं रेखनीखाल ब्लॉक से बैला तल्ला से हूँ और कुछ समूह को लेकर के एक कार्य कर रहा हूँ। बेसिकली आई लिव इन बॉम्बे मैकेनिकल इंजीनियरिंग वी शिप कंपनी, बट नाउ माइग्रेशन फ्रॉम माय विलेज हेल्प मी अ लॉट। आई टुक NSA टू ओपन SHG ग्रुप। आई वांट टू स्मॉल इंडस्ट्रीज इन रेखनीखाल ब्लॉक, देन सम पीपल एम्प्लॉयमेंट। मेरा अपना मोटिव है कि कुछ लोगों को रोजगार दें, पलायन जो हो रहा है उस पर कार्य करें, और इस कार्य को हम ऑलरेडी कर रहे हैं 2014 से, और हम ये चाहते हैं कि सरकार इसमें बहुत अच्छी तरह जो है सहयोग करे। बहुत से माने इस प्रकार के क्षेत्र हैं जिसमें अफवाहें ज़्यादा होती हैं, सहयोग कम होता है। ये चीड़ के लीसे को जो एक बड़े कड़ाव में पकाया जाता है, 50 डिग्री टेम्परेचर में वो किया जाता है और फिर उसको एक छोटी सी डाई में डालने के बाद उसको निकाला जाता है करीब 4 से 5 घंटे बाद। फिर उसमें एक जितनी भी नक्काशी है छोटे ग्राइंडर से की जाती है
और नक्काशी करने के बाद जो है उसमें फिनिशिंग दी जाती है। समूह में कितने लोग जुड़े हुए? वैसे तो मेरे समूह में 6 महिलाएं हैं, हमारा सुरभि स्वयं सहायता समूह है, और जिसमें हम लोग ये एक प्रोडक्ट बनाते हैं, धूपबत्ती वगैरह बनाते हैं, इसमें गोमय कपूर भी है। बाकी अभी लेटेस्ट हम लोगों ने एक ये चीड़ के लीसे से केदारनाथ टेम्पल और ये बद्रीनाथ टेम्पल बनाया। नमस्कार सर, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबर में। सर, उत्तराखंड में आपने स्टॉल लगाया हुआ है एक मेले में, तो लोगों को कितना पसंद आ रही है कर्नाटक की साड़ियाँ? कर्नाटक की साड़ियाँ तो बहुत पसंद आ रही है मैडम, इधर बहुत अच्छा प्रोत्साहन भी मिल रहा है हमको। हम दूर से आया करके लोग भी हमको अच्छी तरह से प्रोत्साहन दे रहे हैं। सर, सबसे अच्छी साड़ी कौन सी है? हमारा कांजीवरम का जो प्योर सिल्क होता है, हमारा हैंडलूम से बनता है, हाथ से बनता है, 6 महीना लगता है उसको बनने में, वैसा साड़ीज भी हमारे पास है। और मैसूर सिल्क का प्योर सिल्क भी है मेरे पास, और बैंगलोर टसर भी है, बहुत तरीके से साड़ियां हैं। 1500 से लेके हमारे दुकान में 1,80,000 का साड़ी है। सबसे अच्छी साड़ी जो यहाँ के लोगों को आप मतलब अच्छी लग रही है? मैडम, ज़्यादातर जरी का साड़ी अच्छी लग रही है उनको, और छोटी छोटी बुटियाँ वाला सब तरह के साड़ियाँ हमारे पास है, सब अच्छे लग रहे हैं उनको। जो भी आ रहे हैं इधर उत्तराखंड के लोग बोल रहे हैं कि बहुत सुंदर है आपका दुकान, बहुत अच्छा है, और इधर उनको ये बहुत दूर से आए करके वो लोग भी हम बहुत प्यार से देख के जा रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद अबरार है, मैं चंदेरी से आया हुआ हूँ। तो इस बार कितनी वेराइटीज़ की साड़ियाँ आप लेकर आए हो? वेराइटी यहाँ पर बहुत लेकर आए आपके, मतलब 3,000 से लेकर मतलब 80-90,000 तक की साड़ी हैं। अभी तक कितना सेल कर चुका है आपने? अभी तो ज़्यादा नहीं, हाँ 50-60,000 करीब तो हुआ है, 5-6 साड़ी निकली हैं अभी तो, खोल ही रहा हूँ, दिखा रहा हूँ अभी, उसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। पिछले साल से इस बार क्या नया बदलाव देखने को मिला आपको? पिछले साल से तो कम से कम यहाँ पब्लिक अभी आ रही है, घूम रही है, जो परेड ग्राउंड में होता है काम वो काम नहीं है। सर, यहाँ पे आप जो भेलपूरी बनाते हो कितने प्रकार की बनाते हो? इसमें कई प्रकार की बनती है, झालपूरी बनती है, भेलपूरी बनती है, झाड़पूरी बनती है, चाट मसाला बनता है, नींबू, वो कई आइटम बनती है इसमें। ये हम हर जगह बनाते हैं, पूरे वर्ल्ड में जाते हैं इस काम के लिए, जहाँ पे भी जाते हैं ये लगाते हैं भेलपूरी, और हमारे पास कोई आइटम नहीं है इसके अलावा। और यहाँ पे जो कस्टमर आते हैं तो उनको कौन सी वाली ज़्यादा पसंद आती है? उनको भेलपूरी पसंद आती है, जो बॉम्बे वाली होती है ना, जो बॉम्बे की होती है भेलपूरी, वो होती है। ये सब भेलपूरी है, बॉम्बे वाली भेलपूरी है, सभी ये सब भेलपूरी है। और अभी इस मेले में कस्टमरों का कितना रिस्पॉन्स रहा है? अभी तो ज़्यादा पहुँचेगा, अब तो कमी था, अब जो ज़्यादा पहुँचता जा रहा है दिन पे दिन, 2 दिन से जो बढ़ रहा है। जैसे आज संडे का दिन भी है तो आज कितना कुछ खास? आज ज़्यादा बढ़ना चाहिए, रस ज़्यादा होना चाहिए। मेरा नाम तो बोमा राम है। इस बार आप राजस्थान से क्या स्पेशल लेकर आए हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ राजस्थान में स्पेशल राजस्थान थाली, दाल बाटी चूरमा, प्याज कचौरी, मूंग दाल कचौरी, जोधपुरी मिर्ची बड़ा, मावा कचौरी, मूंग दाल हलवा, चूरमे का लड्डू, मूंग दाल पकौड़ी, स्पेशल बीकानेरी केसरिया जलेबी, रबड़ी कुल्फी, कुल्हड़ चाय, ये सारी कुछ स्पेशल होती है। मेरा नाम कल्लाराम है। कहाँ से आए सर? हम राजस्थान से आए, जिला नागौर है। जी, और उत्तराखंड में आए हैं आप, राजस्थान की चाय? चाय बहुत ही बढ़िया चल रही है। बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत ही बढ़िया चल रही है, और राजस्थानी खाना भी साथ में लेके आए हैं, दाल बाटी। लोग पसंद कर रहे हैं? बहुत ही पसंद करते हैं, बहुत ही पसंद करते हैं। दिन भर कितने चाय आपकी? दिन भर में मतलब अभी तो गर्मी का हिसाब हो गया, और ठंड जब शाम की टाइम होती है तो 2,000-2,500 की सेल हो जाती है। Thank you.